Hello, good morning students. Class 9th, we were studying the chapter circles. And under the topic circles, today we are going to prove theorem number 10.8. That is, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है या बनता है ये एंगल, लेट अस सपोज दिस बी द सेंटर ओ, राइट, ए बी बी द आर्क, ए बी जो है आर्क है, राइट, देन ए बी आर्क के द्वारा सेंटर के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है वो है एंगल ए ओ बी, राइट, देन what is the theorem? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. अब इसी arc AB के द्वारा remaining part पे, remaining part हम ये ले लेते हैं, ये लिया, ये remaining part of the circle में ये angle इसने बनाया, right? तो इस circle पे के remaining part पे जो angle बनता है वो इस सेंट्रल वाले एंगल के हाफ होगा, या फिर आप बोलेंगे कि ये एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है दैट इज डबल ऑफ दिस एंगल, लेट अस सपोज दिस बी एनी पॉइंट पी, राइट, पी पॉइंट पे जो बनने वाला एंगल है यानी कि एंगल ए पी बी इज हाफ ऑफ ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी का ये क्या होता है, हमेशा डबल होता है, मतलब अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये 100 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा, मतलब इसका दुगना होगा, डबल होगा सेंट्रल एंगल, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो पी से ओ को ज्वाइन करेगी और उसको आगे बढ़ा दूंगा, राइट, इस प्रकार से ये बढ़ा, राइट, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कोई क्यू पॉइंट, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल एपीओ का एओक्यू क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, राइट, एंड सेम बीपीओ का जो ट्रायंगल बीपीओ है इसका ये पीक्यू जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, कौन सा, बीओक्यू एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि अगर ये O से A तक क्या है, ये रेडियस है, O से P तक क्या है, रेडियस है, देन O P A जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलस ट्रायंगल, दीज टू साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट इज एन बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, देयरफॉर दीज टू साइड्स आर इक्वल, इफ दिस एंगल मेजर्स x डिग्री देन दिस इज ऑल्सो x डिग्री, राइट। Similarly, in triangle OPB, OP is equal to OB as these are the radii of the circle. Radii of the circle, therefore this angle, if this is y degree, then this angle is also y degree. Right? तब इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि angle APB का जो हमने measure लिया है, APB जो measure है, that is equal to x plus y. ये जो angle है, वो कितना है? x plus y है. ठीक? अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है वो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, तो आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। उसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी में आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में आप बोलेंगे कि जो एंगल ए ओ क्यू है, एंगल ए ओ क्यू, राइट, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल समझते हैं आप कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, मींस दिस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, ये 2x हो गया, AOQ is equal to 2x हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल के लिए जो OBP है, इसके लिए जो POQ है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल अगेन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एंड दैट इज इक्वल टू 2y, तब आप बोलेंगे BOQ, एंगल BOQ इज इक्वल टू 2y, राइट। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको पता है कि एंगल AOB जो है दैट इज इक्वल टू एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ, AOQ और BOQ को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा आपको, कौन सा, AOB, ठीक।
ठीक, दिस इज इक्वल टू AOQ की वैल्यू कितनी थी 2x, और BOQ की वैल्यू कितनी थी 2y, राइट। इन दोनों yes. इन दोनों में से आपने 2 कॉमन ले लिया है और 2x plus y हो गया। अब देखिए x plus y किसकी वैल्यू थी, x plus y थी वैल्यू एंगल APB की, APB की वैल्यू जो है x plus y थी, therefore AOB is equal to twice of angle APB, x plus y के लिए क्या लिखा है एंगल APB लिखा है। तो इस प्रकार से आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो एंगल AOB है दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB, मींस द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द आर्क मेड इज डबल द एंगल मेड बाय द आर्क ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। एक बार आप इसको करके देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे दोबारा पूछिए। थैंक यू वेरी मच।